गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले मशीन के कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को लगा के सो गई थी तो सुबह कपड़े धुले मिले थे। और फुली मशीन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है। तो लगे हाथ मैं कपड़े फैला के किचन में आ गई हूँ और थोड़ा सा पनीर बना ली हूँ और मखाना, क्योंकि आज मेरा है वीरवार का व्रत, तो मैं मखाने थोड़े से भूनूंगी और थोड़े से बादाम गिरी, ताकि मैं स्कूल में अपने साथ टिफ़िन में ले जा सकूँ और इसको खा के तुरंत ही एनर्जी आ जाती है। इतना लंबा टाइम होता है तो भूख भी लग जाती है। तो मेरा तो व्रत है और श्रेया के लिए और इसके पापा के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ मैं। देखिए, थोड़ी सी पनीर मैंने बस बनाई है, पनीर की भुर्जी, और ये दही रात को मैंने कैसरोल में जमा कर रखी थी। तो दही और पनीर की भुर्जी से ये लोग नाश्ता कर लेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक और सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग स्कूल का ही है, क्योंकि स्कूल में आज हमारे, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को मैं दिखाई हूँ कि प्लस वन के बच्चों की कुकिंग हुई थी, प्रैक्टिकल था, और आज हमारे स्कूल में प्लस टू यानी ट्वेल्थ वालों की प्रैक्टिकल है। तो बच्चे, जैसे कि पहले ही बता चुके थे कि मैम हमारी भी वीडियो बनाना, तो बच्चे जब इतनी रिक्वेस्ट करते हैं तो भाई मैम का तो फर्ज बनता है, मेरा तो फर्ज बनता है कि बच्चों की बात मानूं और बच्चों की वीडियो थोड़ी सी चाहे क्लिप में शूट कर पाऊं वो जरूर करूंगी। लेकिन मैं स्कूल में जाके क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहती अपनी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, मेरी क्लास जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब पेपरों का टाइम है, बिल्कुल भी बच्चों के लिए एक एक मिनट भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो मैं स्कूल में देखती हूँ कैसे सेट करके कैसे कर सकती हूँ, वो मैं देख लूंगी जैसा भी। तो बस फटाफट अगर मैं एक क्लिप डाल पाई बच्चों की तो जरूर डालूंगी, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए चलिए इसी के साथ चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने प्लस वन की देखी थी कुकिंग और अब है प्लस टू की कुकिंग। तो क्या बना रहे हो बेटा, आप बताओ? ब्रेड रोल आपका है। अच्छा, क्या क्या इसमें डाला है, फटाफट रेसिपी बता दो। इसमें ब्रेड को हमने पानी में भिगो रखा था, उसके बाद ब्रेड को इसमें डाला, ये तो बनाया हमने, उसके बाद सूजी में इसको बिछाने में। बच्चों की चाट रेडी है, तो अब इसके साथ क्या बनेगा बेटा? चाट के साथ बनेगा। अच्छा, पूरी बनेगी। ओके ओके, तो यहाँ पर लगी हुई है ये टीम। और आपका क्या बन रहा है मैम? ब्रेड टोस्ट। ब्रेड टोस्ट बन रहा है इन बच्चों का। तो रेडी है क्या, बन गया है क्या, वो दिखा दो। तो यहाँ पर बच्चों का बन चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। प्लस टू के हो ना बेटा? ओके ओके बेटा। बच्चों की बना रहे थे बच्चे, क्या चाट बना रहे थे? क्या चाट बना रहे थे, लेकिन अब ये रिजेक्ट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। ये पूरियां देखो कितनी फुली फुली ये बना रही है, और इसमें बहुत सारा प्यार है इन बच्चों का। तो यहाँ पर जो इनकी टीम है ना, वो अपनी अपनी टीम में सब लगे हुए हैं, मतलब पूरा टीम वर्क चल रहा है यहाँ पर। अच्छे से बच्चे अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, और जिससे जो बन रहा है ना वही कर रहा है, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो ये बच्ची है, ये पूरी बना रही है, और पूरी क्या है, खस्ता पूरियाँ हैं इनकी। और ये पूछ रही थी मुझसे कि मैम पक गई है क्या? ये चाय तो रानी आंटी ने बनाई है ना बेटा? ये देखो कितना सुंदर सा डेकोरेट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका रेडी, तैयार हो गया? लास्ट है ना ये? चलो लास्ट है इन बच्चियों का, और इन बच्चियों ने अपना पूरा जी जान लगा के बना दिया है भाई। छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये घर पे कुकिंग नहीं करती हैं, लेकिन आज कर रही हैं। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और ये बच्चे जब स्कूल में कुकिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार से और खुश होकर करते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, और आ चुकी हैं हमारी गीतिका मैम इनके नंबर लगाने के लिए, क्योंकि यही इनको कराती हैं कुकिंग। घर आ गई हूँ, रहती हूँ अंदर, आ जाइए आप लोग भी। तो यहाँ मैं डोर को ओपन कर रही हूँ, और साथ में ही मुझे सिलेंडर दिख रहा है, क्योंकि मैं सिलेंडर रख के गई थी, आज आने वाला था, तो लगता है आ गया है ये सिलेंडर। पर मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। जैसा आप सबको मेरा रूटीन का पता चल गया होगा कि मैं स्कूल से आती हूँ तो बिना रेस्ट किए हुए मैं कोई शाम का जो काम होता वो नहीं कर पाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, सो के उठती हूँ तो स्कूल में बच्चों के साथ बोल बोल के ना गला दर्द होने लगता है और थक जाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट जरूरी होता है। तो मैं जैसे एक घंटे ही रेस्ट कर लूँ ना अच्छे से, एक घंटा रेस्ट करना ही मेरे लिए काफी होता है। तो मैं उठी हूँ, सारे बर्तन को क्लीन किया है मैंने, अच्छे से सफाई कर दी है, क्लीनिंग घर की। और उसके बाद ना बड़ा अच्छा सा लगता है, घर में नंगे पैर चलो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये घड़ी ना इतनी बड़ी है कि मुझे किचन से आराम से दिख जाती है। छोटी वाली घड़ी मैंने यहाँ लगा दिया है, ड्राॅइंग रूम में एक भी घड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ लगा देती हूँ। तो
पर इस रूम की भी डस्टिंग मैं अच्छे से कर दी हूँ, बिल्कुल साफ हो गया है ये रूम भी। अब मैं किचन की तरफ चलती हूँ और किचन में भी मैंने चाय चढ़ाई है, देखिए क्योंकि व्रत है ना तो चाय जरूरी है भाई। और कल सुबह बनाऊंगी राजमा, तो मैंने राजमा भी हो रखे हैं। और ये राजमा ना कुछ तो आया था शॉप से, 2 पैकेट आए थे, तो ये ऑनलाइन मंगाया था इन्होंने, तो एक तो पता नहीं कैसे इसमें ब्लैक है और थोड़े से वाइट। मैंने सारे ही मिक्स करके इकट्ठे रख दिया डब्बा भर के, क्योंकि मुझे लगा राजमा तो है ही है, चाहे काला हो चाहे सफ़ेद हो सब तो। और थोड़ा सा बिल्कुल बना रही हूँ क्योंकि हमारे खाने वाला कोई है ही नहीं, आपको पता ही है मैं और श्रेया ही रहते हैं लंच में। तो अब मैं फिलहाल पीऊँगी चाय, और चाय पी के मुझे थोड़ी और एनर्जी आ जाएगी। सोने के बाद तो मैं फ्रेश हो ही गई हूँ, मतलब चाय पीने के बाद मुझे और एनर्जी आ जाएगी। आज की जो वीडियो अपलोड हुई थी ना, उसमें मैंने बोला था ना कि आज 10 तारीख है, तो आज देखते हैं यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनता है। तो भाई फिर से बाबा जी जो है वो हावी हो गए हैं सब पे, और वेलकम बैक बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है और जनता जनार्दन के हाथ में ही सब कुछ होता है, तो जनता जनार्दन थोड़ा सा मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि अपनी बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग भी मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो मैंने तो चाय पी ली है, अब देखती हूँ हमारी शेयर रानी कॉफी मांग रही है। कॉफी की डिमांड है बेटा, कॉफी बना दूं आपके लिए? कॉफी बना के रख दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है, कोल्ड कॉफी मुझे रात भर जग रहा था, फिर मैं आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है बेटा मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं है। कोल्ड कॉफी 16 घंटे की फास्टिंग कर रही थी, अब मुझे इतना पढ़ना है ना कि मुझे रात में जगना है, तो अब मैं मुझे खाना पीने के चाहिए, वरना मैं भूखे पेट पढ़ नहीं पाऊंगी। कुछ जगने के लिए चाहिए। और तुझे पता चल रहा है इसका यूपी का मुख्यमंत्री कौन बना? कौन? योगी जी दोबारा गोरखपुर के योगी जी दोबारा जीत गए। ज्यादा खुश होते हैं हमारे घर। हाँ। खुश तो चला हम भी हुआ था, डेवलपमेंट बीजेपी ने तो करी है भाई, ये तो है ही है, बहुत ज्यादा हो गया। सही बात है बिल्कुल। ठीक है, जिसको जनता पसंद कर रही है इसका मतलब वो अच्छा है, बस सीधी सी बात है ना, एक तरह से दिखा रहा है ना। हाँ, अगर नहीं, अगर मान लो दूसरी पार्टी जीतती तो इसका मतलब ये था कि ये इसको नहीं पसंद कर रहे, बस सीधी सी बात है। उन्होंने कर भी दी, पता है मेडिकल कॉलेज की कर भी दी मोदी जी ने अनाउंस, क्या 50% प्राइवेट कॉलेजेस सारे गवर्नमेंट में आ जाएंगे। वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। मेरिट से जाएगी वो सारी लिस्ट, नीट देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कॉलेजेस की सीट बढ़ गई है 50%, सोचो उस लोग। चल बढ़िया हो गया, मेरी हालत खराब हो गई भगवान। मुझे ना अब इतना रोना आ रहा था, अभी तक तो मैं मस्त मौला में देखी यार, चलो 3-4 घंटे पढ़ के आराम से पेपर पर निकल जाता था, अब हकीकत में पढ़ने बैठो ना 7-8 घंटे पढ़ते पढ़ रहे हैं, जब दिमाग का दही हो जा रहा है। चलो भाई, इतने सारे नोट देखो, मेरे हाथ मेरे दुख जा रहे लिखते 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 लिखते। ऐसे तो 10th में भी तूने हाथ दुखाया था ज्यादा ही यार, 10th की सिटिंग तो कुछ नहीं थी, इसमें तो मेरे को मतलब मुझे कम से कम 12-14 घंटे। मुझे याद है जब तेरा 10th का पेपर था तो इतने नोट्स बना बना के करती थी कि तेरी उंगलियों में मुझे मालिश करना पड़ता था, मम्मी मेरे हाथ दर्द हो रहा है, तो अभी भी मालिश कर दूंगी, कोई बात नहीं भाई। गाइज आज से श्रेया की उंगलियों की मालिश शुरू। मैंने मौज मारी है, कॉलेज खुला है, अब पढ़ने बैठे तो अब मेरे को रोना। चल तेरी मैं कॉफी बना देती हूँ बेटा, अब चिप्स कुरकुरे भी लेने जा रही हूँ, मुझे रात भर लग रहा था करना है, तो चिप्स कुरकुरे के दम पे जगेगी तू, कुछ तो मोटिवेशन भी रहेगा जगने के। हे भगवान, मेरे सिचुएशन पे हंस यार, फिर हालत देखो और मेरे ब्लॉग्स देख लिया कर। आज पता है क्या श्रेया, मैंने कई बार यही देखा है, पता है ब्रेक में बीच में ब्रेक ले ली, नहीं पता मीनू भाभी क्या बोलती है, कहती है ऋषभ ना संगम तेरे ब्लॉग देख देख के मुंह पे अकेले रहता है, ऋषभ को जब भी मतलब ऐसे होता है कि बोर हो जाता है ना, जब भी होता है बहुत ज्यादा परेशान सा रहता है, तो ऐसे कहता है मैं तो संगम आंटी के ब्लॉग देख लेता हूँ, मस्त खुश हो जाता हूँ, मजा आ जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जो बच्चे अकेले रह रहे हैं वो भी मेरा ब्लॉग देख देख के रह रहे हैं, तो कितना जैसे मेरा टाइम था जब अकेले थी, मैं फ्लाइंग बीच के ब्लॉग के सारे जीती थी। सही बात है श्रेया, नहीं तो मैं तो सबसे पहले जो ब्लॉग चैनल है वो तो मतलब ऐसा है कि देखा ही उन्हीं का था, फ्लाइंग बीच का ही। चलो ठीक है, अगर मैं किसी को थोड़ा बहुत भी खुशी दे, आज मैंने सच में मम्मी बहुत बार ब्रेक में वही देखा, मेरा मूड ठीक करने के लिए बार बार वही वीडियो चला रही थी है, आपकी जो आज डाली थी आपने, मैंने वही देखी है आज आपकी। थैंक यू। अभी तो मुझे 12-14 घंटे की सिटिंग करनी है, मैं ये सोच रही हूँ मैं कैसे करूंगी।
मेरे तो आप करो ना इतने में तेरा मुंह पतला होगा, तेरी हालत खराब होगी, कहते तेरा आधा वेट लूज हो गया दो दिन में। श्रेया की बात करने के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। और हाँ सच में हम दोनों माँ बेटी ना इतनी बातों नहीं हो रहे हैं कि हम दोनों की ना जोड़ी ऐसी हो गई है कि अब तो लगता है कि श्रेया चली जाएगी ना कुछ दिनों में, तो मैं कैसे अकेली रहूंगी और मेरे ब्लॉग का क्या होगा, ये भी तो लगता है श्रेया। लेकिन पढ़ाई के चक्कर में श्रेया को जाना ही है, वो तो सबको जाना ही है, सब बच्चे जा रहे हैं, तो श्रेया भी कब तक मेरे पास रहेंगी, वो तो कोरोना के चक्कर में इतने दिन रह गई। हाँ पक्का श्रेया जब चली जाएगी ना तो श्रेया वहां की अपनी लाइफ थोड़ी थोड़ी शूट करके मुझे भेजा करेगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पक्का। लिपस्टिक नहीं है मेरे को, एक ढंग की लिपस्टिक ला के दे दो, सारी आपकी ना डार्क वाली लिपस्टिक पड़ी हुई है मेरे पास, एक भी लगाने के लिए पड़ते हुए लिपस्टिक लगा के पड़े। अरे अभी जाना पड़े तब ढूंढती हूँ कि लिपस्टिक नहीं है, तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता है कि इतना पढ़ाई में क्या हालत, देखो सर हालत देखो, पढ़ने वाले बच्चे लिपस्टिक नहीं लगाते। चलो अरे पढ़ने वाले, अरे बाहर जाओगी तो भी पढ़ने वाली, तो बाहर जाओगे तो क्या लिपस्टिक लगा के पढ़ाई करोगी, नंबर अच्छे आएंगे पढ़ने से नंबर आते हैं। अरे बाहर घूमने फिरने मेरी माँ, पढ़ने बाहर कोई नहीं जाता, घर पे इंसान पढ़ता है अच्छे से। अच्छा यार मेरी देखना मैं क्या सामान लेके आ बेटा जल्दी से, क्या होगी दो साल तक पूजा कर लेती हूँ प्लीज बेटा। मैं काम ना कर रही थी, दो साल पहले तो कितनी मस्त लगती थी जो तू कॉलेज में घुसी घुसी थी, अब मेरी हालत देखना जरा। तो MBBS की पढ़ाई ऐसी नहीं होती। चलो अब आप नहीं बेटा लिया फिर तेरे चिप कॉपी बना के रख देती हूँ, तब तक कोल्ड कॉफी बना दिए ना, जाना भी है वॉक करने। हाँ तो मुझे भी तो चलना है, तो मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ तब तक। तो भाई तो अभी हम माँ बेटी रोज डेली 7 बजे हम जाते हैं, छोड़ पाती मेरे लिए कोई मेरा एस्केप टाइम है जो मुझे चाहिए। कल नहीं जा पाई थी क्योंकि कल मैं बहुत सारे काम में बिजी हो गई, क्योंकि मेरे को ऐसा ना इस बार की सांस लेने की भी उम्मीद नहीं, उम्मीद कर सांस तो भाई ले लेना, सांस लेगी तभी पढ़ाई कर पाएगी। अब तो जा शाम हो गई, मैं जोत पत्ती कर दूं, आज बृहस्पतिवार है, थोड़ा विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की आरती कर लेती हूँ। आज की जो शाम की आरती है ये बहुत दिनों बाद आज मैं आप सबको दे रही हूँ विष्णु भगवान की आरती, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है और विष्णु भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है, तो आप सबकी मनोकामना विष्णु भगवान जरूर पूरी करें और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए, अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए, अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। तो चलिए अब हमारी आरती भी हो गई है, अभी श्रेया आई नहीं है तो देखती हूँ आती है तो फटाफट मैं और काम करती हूँ। आ भी चुकी है मैडम जी लेके सामान, देखिए पढ़ने वाले बच्चे यही खाते रहते तब वो मोटे होते, उनकी सीटिंग ज्यादा होती है। अच्छा ये खा खा के क्यों, वो क्यों नहीं खाती तू, बादाम मैंने भूना है बेटा, उसे पता है काली मिर्च डाल के थोड़ा सा कर ली हूँ और कॉफी भी बना लेती हूँ तुम्हारी, अभी बनी नहीं है भाई पूजा ही कर रहे थे। कहो तो चीनी डाल लो ही ना, नहीं थोड़ी तो डालना। अच्छा थोड़ी सी ठीक है ठीक है। अब शाम को खाने का क्या खाएगी, खाना नहीं 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 अब मुझे पढ़ने दो चलो। अच्छा खाना नहीं खाएगी, पर मैं बता देती हूँ इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है हैप्पी टीचर ब्लॉग के नाम से, तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाके वहां पे मुझे फॉलो कीजिए। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स डालती रहूँ, जो भी मैं शूट कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ घर में वो मैं सब आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो श्रेया तो खाएगी नहीं और मेरा है व्रत, तो इनके लिए मैं एक प्याज और एक टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ और उसमें मलाई डाल के, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, थोड़ी सी मलाई डाल दो तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इतनी सी बस इनके भर के ही बनाऊंगी। अब एंड कर देती हूँ, एंड करूंगी तभी इसको एडिट करूंगी टाइम से, और खाना भी जल्दी आजकल मैं बना लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी वॉक करने जाना है और फिर आके फिर जल्दी से मैं सब्जी बना के चली जाती हूँ जल्दी से इनकी, और आऊंगी और तुरंत ही बैठ जाऊंगी एडिटिंग पे। और शाम को मुझे भी खाना है, अभी मैंने अपना कुछ नहीं खाया तो बस मैं अपने लिए ना दलिया बना लेती हूँ, और दलिया में मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ तो वो पीला ही हो जाता है मेरे लिए और जल्दी से बन भी जाता है। और दलिये को ना मैं भून के रख ली हूँ, जब भून के रख लो ना डब्बे में तो आधा काम वैसे ही खत्म हो जाता है, तो बस ये पूरे दिन का मेरा जो रूटीन है ना वो इस तरह से चल रहा है। अब इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, तो आज का सवाल मैं लगे हाथ पूछ लेती हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है वो किसकी बनी है, बस ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और आज का ये गिवे क्वेश्चन जो है वो यही है कि आज उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी है, बस सिर्फ आपको ये टाइप करना है। तो मिलती हूँ कल के नए व्लॉग के साथ, तक लिए बाय बाय।